तो सबसे पहले हमारी कमांड रहती है इसमें डिस्क पार्ट, उसके बाद लिस्ट डिस्क। तो इनमें हमारी जैसे मेरी पहली है SSD, तो दूसरी है 1 TB की हार्ड ड्राइव, और तीसरी जो पेन ड्राइव मैंने अभी बूटेबल बनानी है वो है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट डिस्क टू, डिस्क टू अभी सिलेक्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे कर देना मुझे क्लीन। तो क्लीन पे क्लिक करने के बाद अब मेरी हो चुकी है क्लीन, जो मेरी पेन ड्राइव थी वो मैंने क्लीन कर दी। और ध्यान देना आपको कि जब भी आप बूटेबल पेन ड्राइव बना रहे हैं तो उसमें कुछ डाटा वगैरह अगर आपका है तो अलग से सेव कर लीजिए, जैसे उसके अलावा भी डाटा होता है, फाइल्स होती हैं, कुछ भी होता है, तो उसको अलग से सेव कर लीजिए। अगर आप CMD से बना रहे हैं, लोफो से बना रहे हैं, किसी से बना रहे हैं, क्योंकि एक बार उसको फॉर्मेट करना ज़रूरी होता है। तो ये रही थोड़ी समझदारी की बात, अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना क्रिएट। नेक्स्ट वन आ रही है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, तो सक्सीड हो गया हमारा सिलेक्ट पार्टीशन वन। एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ी सी बताना चाहूँगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ लिखते हैं क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी तो नीचे एरर आ जाता है कि ये जैसे अब सक्सीड आ रहा है तो फेल आ सकता है या कुछ भी एरर आ सकता है। वो मैक्सिमम टाइम इसलिए आता है क्योंकि जो हमारा CMD है वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर हमने रन नहीं किया होता, तो वो लोकल यूज़र जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो अगर एडमिनिस्ट्रेटर ना हो, एडमिन राइट उसके पास ना हो, तो फिर एरर आता है। तो ये थोड़ी सी पते की बात थी। अब फिर से हम शुरू करते हैं जो हम कर रहे थे। तो पार्टीशन सेलेक्ट करिए पहले, अब हमें करना है नेक्स्ट कमांड रहेगी फॉर्मेट FS इक्वल टू NTFS क्यू। थोड़ा सा मैं समझा दूँ यहाँ से, ये हमारी कमांड्स क्या थी। पहली थी लिस्ट डिस्क की, लिस्ट हमारे हमने CMD में लिखा कि हमें लिस्ट कर दीजिए जो भी हमारे डिस्क हैं, सेलेक्ट डिस्क टू, ताकि हमारी जो पेन ड्राइव है उसको हम सेलेक्ट कर लिए। अब हमारी सेलेक्ट थी तो हमने उसके बाद कर दिया क्लीन। ये क्लीन जो है वो हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट भी कर सकते हैं, पर यहाँ से ठीक रहता थोड़ा सा। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, हमने उसी पेन ड्राइव को एक बार क्लीन करके उसमें एक प्राइमरी पार्टीशन बना दी, मतलब उसकी एक पार्टीशन क्रिएट कर दी। तो हम उसमें एक ही पार्टीशन थी तो हमने एक ही नेक्स्ट कमांड लिखी सेलेक्ट पार्टीशन वन, पार्टीशन वन को हमने सेलेक्ट कर दिया जो कि 28 GB थी। तो नेक्स्ट हमारी कमांड थी फॉर्मेट FS NTFS क्यूक। अब NTFS तक ये है कि जो हमारी पेन ड्राइव है, अब उस जो हमारी पार्टीशन है जो हमने सेलेक्ट की है वन वाली, उसको NTFS के फॉर्मेट में फॉर्मेट करिए। अगर हम FS तक लगाते हैं तो क्यूक नहीं लिखते हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है उसका फॉर्मेट होने में, क्यूक लिखने से थोड़ा जल्दी होता है। जैसे मैं एंटर करूँगा भाई, ठीक है अब डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेट। तो इसी प्रोसेस में अगर थोड़ा देखा जाए तो हमारी रीड ओनली पे या करप्टेड पेन ड्राइव्स या ऐसे ही ठीक हो सकते हैं। अगर हम करना चाहें तो रीड ओनली से भी हम प्रॉपर उसको ला सकते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि हमारी डिस्क डायनामिक में चले जाती हैं या कुछ ऐसा होता है, बेसिक से डायनामिक में चले जाती हैं, तो यहीं से CMD से कुछ छोटी मोटी कमांड इसी में फेरबदल करके हम उसको ठीक कर सकते हैं, या फिर हमारी जो पेन ड्राइव्स हैं या DVDs हैं CDs हैं वो GPT से MBR या कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो जाए, तो यहीं से एक दो कमांड ऊपर नीचे करके हो जाता है। तो अभी हम करेंगे इसको हमारी को पेन ड्राइव को एक्टिव एग्जिट एग्जिट, पेन ड्राइव हमारी बन गई है बूटेबल। अब हमें उठाना है विंडो 11 का पूरा सेटअप और ठोक देना है हमारी पेन ड्राइव में। Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die.